would really like to welcome Tabuji. Thank you for coming today. I am one of the biggest fan that you could have. I'm happy because I'm in Lokhandwala. I'm a proud resident and that's why I'm here. I've been here 18 years now and I don't think I can live anywhere else in Mumbai. I tried looking for apartments all over the city, but ghoom phir ke main idhar hi aa jati hu because this is my home now. This is my walking path, my dog's recreational area, and so much else that happens here. And we are very happy that this road has become so much nicer and the potholes are gone. And it's so private, my society especially. In spite of being in the heart of Lokhandwala, it's really private and quiet. And of course, there are many more things that we can do for the area, and I'm sure we'll be doing. But I'm very happy, a very happy resident of Lokhandwala. And whatever we can do for the area, I think we must. And I'm so happy to have lovely neighbors. They've been fantastic all these years. Thank you. You will. Thank you so much. Thank you, ma'am. Raghav Sachar. And also Kartik Aryan and Preeti Karbanda. Ladies and gentlemen, is this how we welcome Bollywood stars? Is this how we welcome them? में कहेंगे अब वो हमारे बीच नहीं रहे। आपकी हंसी देख के यही कहूंगा, जो हंसे उसका घर बसे। आपको तो बसा हुआ है, मुझे पता है। जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। अच्छा लग रहा है, मजाक मजाक में काफी लोग आ गए। और दिल की बात भी निकल आई। मेरा तो एक ही फंडा है। अरे वाह वाह वाह, मेरा जिंदगी का एक ही फंडा है, जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भाई तो रहने दे हम कर लेंगे। और प्यार करना है तो निर्मा पाउडर वाली से करो। मैं अपनी औकात पे आ रहा हूं। प्यार करना है तो निर्मा पाउडर वाली से करो, क्योंकि कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आपकी हंसी देख के लग रहा है आपके पुराने नोट सब 7 नवंबर को ही बदल गए। बहुत प्यारे ऑडियंस है। मैं तो ही कहूँ, कभी लंबे से नहीं आया हूँ, आप ही के बीच का हूँ, है ना। बड़ा अच्छा लग रहा है, काफी टकले लोग भी आए हैं, पीछे काफी बेवड़े भी हैं, बड़ा अच्छा क्राउड है हमारा। ये हमारी असली मुंबई है। कैसे सर, नाश्ता करके आए? अच्छा। ये मैं बहुत आभारी हूँ शाली मैडम का कि ये हमेशा इस तरह के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। लोगों को जोड़ना हो, नए टैलेंट को आगे लाना हो, ऐसे कामों में हमेशा मैं पढ़ता भी रहता हूँ, कहीं देखता भी रहता हूँ। तो जब इनका इन्विटेशन आया तो मुझे कहा, मैंने कहा कि आप ना भी बुलाती, मैंने आपके पोस्टर देख लिए, मैं खुद आने वाला हूँ। तो मुझे ज़रूर आना था। और भाई साहब, आप बहुत देर से फोटो खींच रहे हो कि अपने अपने कुछ देख रहे हो? कुछ लोग ऐसे पोज बना देते हैं और हम यूँ खड़े हो जाते हैं, बाद में बोलते हैं आपका नहीं, हम खुद एमएमएस देख रहे हैं। सो हमारे साथ और भी गेस्ट हैं, तो बेहतरीन कलाकार हैं सारे मंच पे, जो लोग खड़े हैं सब अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट लोग हैं। तो बातें कैसे मनवानी जी? अरे ये कमाल, इतने शरीफ आदमी, ये बाथरूम में भी टॉयलेट पहन के अंडरवेयर चेंज करते हैं। सर वहाँ कोई जरूरत नहीं होती? हाँ, बाथरूम दरवाजा है ना, कैमरे लगे हैं आपके यहाँ, देख क्या क्या चीजें खुल के आ रही सामने। लेकिन हमारे दोस्त हैं, बहुत बेहतरीन हैं, और ये इतने इंटेलिजेंट हैं, गोबर सूंघ के बता देते हैं गाय की उम्र क्या है। ये कौन अलग हंसा, एकदम बगुले की तरह। बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पे, शानदार। कैसी है मैडम आप? एकदम प्लास्टिक की लग रही हो। सो और हमारे मेहमानों का इंट्रो कराइए, मैं तो यही हूँ।
कुछ लोगों ने कहा कि जब तक गेस्ट रहता है मुंबई में तब तक उसको घुमाने का टेंशन कन्फर्म है, बाद में पता नहीं हो ना हो, हैं कल हो ना हो। लेकिन मैं शालिनी जी बहुत टेंशन में हूँ अभी, जब से आ रहा हूँ मुझे किसी ने छेड़ा यहाँ पे, एक बच्चे ने, मैंने सिंपली ऐसे हाथ मिला लिया उससे, मैंने कहा बेटे आपके पापा क्या करते हैं, उनका मालूम नहीं, हम तो जल्दी सो जाते हैं। लफड़ा क्या है? और मैं कल रात को शो था मेरा दिल्ली में, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था तो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेके सीधा चला आ रहा हूँ। अब ये फ्लाइट का ये चक्कर जो है, मैंने बस एयर इंडिया की टिकट नहीं लेनी है, नेक्स्ट टाइम नहीं लेनी। ये दुनिया की पहली एयरलाइंस है जिसके अंदर आपको माँ का प्यार मिलता है, अंदर बैठो ऐसा लगता है बुआ मौसी चाची सब एयर हॉस्टेस घूम रही है। खाना ठंडा था, मैंने इसे बोल दिया मैडम खाना थोड़ा ठंडा है, बोलती चुपचाप खाओ, मैं समझ गया मैं घर पे हूँ, एकदम फैमिली एटमॉस्फेयर। और ये एयर इंडिया में सिखाया किसने, अनाउंसमेंट किसने सिखाया, वो आदमी नहीं मिल रहा है मुझे, छाती से बोलती है, छाती से एकदम हस्की आवाज में, ऐसे कौन बात करता है रियल लाइफ में, एयर विमान AI-101 नॉट रेडी फॉर डिपार्चर, यात्री निवेदन है। जो लोग मुझे सी ऑफ करने आए थे वो भी घुस गए, बोले कोई चीज तो है अंदर, टिकट रास्ते बनवा लेंगे। और अच्छा खाने का ऑर्डर लेने के लिए जानबूझ के एक ऐसी हॉस्टेस छांट के रखते हैं, उसको शुरू नहीं दिखाते, वो एकदम से कॉकपिट से निकलती है, क्या चाहिए, अपने माता जी रहम चाहिए, खाना हम खुद लाए गरम करवा दो, दो पराठे तुम्हारे, अजीब माहौल। अच्छा जब वही प्राइवेट एयरलाइंस में, ओहो प्राइवेट एयरलाइंस में आप सिर्फ इंटर करिए, आप बोर्ड हो रहे हैं, जो वेलकम करती हैं ऐसा लगता है प्लेन अब टेक ऑफ हो चाहे ना हो, अंदर आ रहे हैं एयर होस्टेस, कहाँ रह गए थे आप लोग, कितने परेशान हो गए थे, नो प्रॉब्लम फॉलो मी, पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के पीछे जाता है, बोलता सुनीता पकड़ ही तो होते रहते हैं। इसी तरह से किसी प्रोग्राम में हम लोग जा रहे थे बाहर, अब मुझे मालूम नहीं था जापान की कोई एयरलाइंस थी, अब मुझे मालूम नहीं था कि वो लोग हर छोटी बात पे ऐसा रिएक्ट करते हैं कि उन्होंने शायद आपकी पॉकेट में बम देख लिया। मैंने सिंपल पानी मांगा, टंग टंग घंटी बजाने, एक्सक्यूज मी आई वांट वाटर, वाटर यू वांट ड्रिंकिंग वाटर, वार्म वाटर, कोल्ड वाटर, वाटर, हमने इतना लफड़ा है तो कैंसिल करो, मेरा नवरात्रिक व्रत चल रहा है, मैं निर्जला हूँ, अब पता नहीं निर्जला ढूंढ रही होगी डिक्शनरी में। अब अच्छा मुझे मिल भी जाते हैं, शाली जी मुझे करेक्टर ऐसे हमसे कह रहा नहाने जा रही होंगे, हमने तू शैम्पू दे दे, विंडो की ओर देख के बोला भैया देखो जहाज कितना ऊपर आ गया है, आदमी चींटी के बराबर मूंगी के बराबर दिख रहा है, हमने कहा टेक ऑफ नहीं हुआ चींटी है। अच्छा कभी कभी खाने का ऑर्डर लेंगे पैसेंजर के मुंह पे पूरा झुक जाती है ऐसे, व्हाट यू प्रेफर वेज या नॉन, अब इसको तो अच्छा लग रहा है उस तरफ जो बैठा वो टेंशन, तो क्या कह रही डोंट वरी अभी उधर भी आऊंगी, एक्सक्यूज मी व्हाट यू प्रेफर वेज या नॉन वेज, अभी समझा नहीं, तो कह रहा सब कुशल मंगल है, नो नो आई मीन यू आर शाकाहारी या मांसाहारी, तो कह रहा बिहारी। और एक चीज आप मेरी जरूर एग्री करेंगे, ये हर सेक्टर में सेम अनाउंसमेंट करती है। अब दिल्ली जयपुर की फ्लाइट कितने मिनट की, 30 मिनट की होती है दिल्ली जयपुर, वहां भी वही अनाउंसमेंट, अगर रास्ते में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, अगर प्लेन को अगर पानी में उतारना पड़े तो रक्षा जैकेट कुर्सी के नीचे रखें। मैंने कहा दिल्ली जयपुर को रूट में तुम्हें कहाँ मिल रहा है समुंदर, उधर पानी कहाँ है, किसी बाल्टी में उतारोगी। तो बस ये मेरी लास्ट फ्लाइट थी एयर इंडिया से, है नहीं, जिसमें लोग सुबह सुबह आते हैं यहाँ पे, पैर लगता है और काफी लोग बहुत खुशी खुशी यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं सेलिब्रिटीज से, या फिर लोग जिन्होंने काफी ऑनरेबल लोग हैं। सो आई एम रियली हैप्पी कि गेस्ट इन लंदन जो कि 16th ऑफ जून को रिलीज हो रही है,
उसका भी एक गाना भी लॉन्च हुआ था फ्रैंकली तू सुना नचती, उसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट किया एंड आई एम रियली लविंग द रिएक्शन एंड होपफुली एवरीवन विल गो एंड वॉच इट इन द थिएटर। प्लीज 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 कम ऑन स्टेज, लेट्स शेयर वेलकम द अमेजिंग कोरियोग्राफर। जी नहीं, ये डिफरेंट फिल्म है, ये सीक्वल नहीं है, ये अलग फिल्म है। और चाहे अतिथि हो, मेहमान हो, गेस्ट हो, लेकिन ये गेस्ट इन लंडन है, ये अतिथि तुम कब जाओगे नहीं है, ये अलग फिल्म है, कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म है। आपका किस तरह का किरदार है सर इस फिल्म में? मेरा मतलब बहुत ही स्वीट सा कैरेक्टर है, जिसका मतलब जो अपना फैमिली को लेकर या किसी को लेकर बहुत केयरिंग है, तो उसके घर पे जब कोई गेस्ट ऐसे आ जाता है तो कैसे उसकी सिचुएशन की वो उसको बोल भी नहीं पा रहा जाने के लिए, एंड कैसे ऐसा बंदा जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है तो वो कॉमेडी ऑफ एरर्स कैसे होता है, वैसा सा कुछ कैरेक्टर और फिल्म के बारे में। मैं तो अभी वापस जाने के लिए भी तैयार हूँ, हमेशा आना तैयार हूँ।